दिस इज विशाल वर्मा एंड यू आर वॉचिंग टू माई यूट्यूब चैनल विशिंग ब्लॉक्स। जैसा कि मैंने कल दिखाया था, ये गैजेट्स वाली बिल्डिंग है और इसी के जस्ट पड़ोस में बस स्टैंड है। आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए वो बिल्डिंग है और ये बस स्टैंड है। ये देखिए बिल्कुल जस्ट पड़ोस में बिल्डिंग और बस स्टैंड है। गाइस आप लोग देख रहे होंगे 23 पैसेंजर हैं बस में। गाइस देखिए ये आपका झुमका चौराहा है जो मैंने पहले वाली वीडियो में दिखाया था आप लोग को। गाइस हम लोग रामपुर आने वाले हैं। रामपुर बस स्टैंड आ गया और हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। गाइस हम लोग अब एंट्री कराने के लिए आए हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि एंट्री कराना ज़रूरी होता है एसी गाड़ी का। सो एंट्री करा के फिर निकलूँगा हम लोग। गाइस अब हम लोग एंट्री करके निकल चुके हैं, अब अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं। हम लोग रामपुर से निकल चुके हैं और मुरादाबाद की तरफ चल दिए हैं। हम लोग मुरादाबाद आ गए हैं। हम लोग ब्रज घाट पे पहुंच रहे हैं जो कि एक पवित्र स्थल है। यहाँ पे ये डंडी के बने हुए टेबल और चेयर बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप लेना चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, बड़े सस्ते दामों में अच्छे मिलते हैं। दोस्तों जैसा आपने सुना कि गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, ये नदी गंगा नदी ही है और महाशिवरात्रि के महीने में कांवर लोग यहीं से जल भर के शिवलिंग पे चढ़ाने जाते हैं। दोस्तों हम लोग बाबूगढ़ के सेवा ढाबे पर रुकने वाले हैं जो कि दिल्ली रूट का सबसे फेमस ढाबा है। गाइस हम लोग सेवा ढाबा पे आए हैं और फिर उसके बाद ये देखिए सेवा ढाबा है, मंदिर है काफ़ी और आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग खाना खाने के लिए आ रहे थे लेकिन ढाबा तो बंद दिख रहा है और फिलहाल आज हम लोग को भूखा ही रहना पड़ेगा। ये है। अब हम लोग दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। गाइस गाजियाबाद का ओल्ड बस अड्डा आने वाला है और आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम लोग ऊपर से चल रहे हैं लेकिन नीचे देखिए बसें खड़ी होंगी। ये ओल्ड बस अड्डा है गाजियाबाद का। हम लोग अब कौशाम्बी की तरफ चल रहे हैं। कौशाम्बी में जाम बहुत लगी हुई है और समझ नहीं आता कब तक खुलेगा। देखते हैं कब तक कि ये जाम खुलता है और मुझे तो कुछ आसार नहीं लग रहा है। एक दो चार घंटे की मुझे लग रहा है छुट्टी हो गई है। बहुत तगड़ी जाम लगी पड़ी है, कहीं से भी निकलने का कोई मतलब नहीं मिल रहा है। देख सकते हो आप लोग। तब तक चलते हैं अंदर, गाड़ी के फंक्शन के बारे में कुछ देख लेते हैं। सीटेट के बारे में कैसी, काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ अंदर से बनाई गई हैं और बाहर से भी काफ़ी लग्जरी गाड़ी है। फिलहाल कोई सी भी सीट दिखा देता हूँ। ये देखिए देखिए पूरा पीछे लेट जाती है, ये स्टील से लेटती है। बहुत सुकून मिल रहा है इसको इस पे बैठने पे। और आपको दिखा दूँ ये एसी का ब्लोअर है, यहीं से ये ठंडी ठंडी हवा आती है और गाड़ी को ठंडी करता है और एक्सटर्नल भी फैन लगा हुआ है। गाइस हम लोग कौशाम्बी के अंदर एंट्री कर चुके हैं और फिलहाल
अब तो जाम भी ख़त्म हो गया है और आप देखिए शामी के अंदर जा रही गाड़ी, फिर उसके बाद पैसेंजर लेके हम लोग प्रस्थान करेंगे। यहाँ से सारी बसें मिलती हैं और बहुत दूर दूर तक के जाते हैं, गोरखपुर, बस्ती, बलिया, आजमगढ़, मऊ, सब बसें मिलती हैं यहाँ से। एसी वाली गाड़ियाँ भी मिलती रहती हैं, ये देखिए सब इधर एसी वाली गाड़ियाँ ही खड़ी पड़ी हैं। देखिए गाइस, ये कौशाम्बी की मार्केट है, काफ़ी सस्ते सस्ते आइटम मिलते हैं यहाँ। और हम लोग बरेली के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं अब, ये मेरी गाड़ी है। गाइस, कौशाम्बी से प्रस्थान कर चुकी है बस बरेली के लिए। गाइस, ये देखिए हाई टेंशन के जो टावर दिख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कमर पे हाथ रख के लड़ाई लड़ने आए हैं सब एकजुट होकर। गाइस, शाम होने को आ गई है और अब तो ढाबे पे फ़िलहाल रुका नहीं जाएगा क्योंकि ढाबे तो सारे बंद हैं और पेट में तो बहुत ज़्यादा चूहे कूद रहे हैं। चलो कुछ लेते हैं आगे। चलिए गाइस, कुछ मस्ती करते हैं। वो सामने गाड़ी दिख रही है, उसका हम लोग पीछा कर रहे हैं और कमर कस लेते हैं, उसको पीछे हरा देते हैं। अगर वो हार गई तो आप मुझको गिफ्ट देंगे, अगर मैं हार गया तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा। और ये चलती चली जा रही है और ये बाउंड्री पार, ये मैं गाइस जीत गया हूँ, आप लोग मुझे गिफ्ट दीजिएगा। फ़िलहाल गिफ्ट में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। गाइस, हम लोग बहुत आगे निकलते चले जा रहे हैं और फ़िलहाल सवारी तो कुछ नहीं मिल रही है, लेकिन देखते हैं आगे कुछ करते हैं। और ये क्या बदतमीजी हो रही पीछे, बड़ा हरामी हो बेटा। गाइस, हम लोग वापसी में ज़्यादा लेट हो गए हैं, इसी के कारण मैं थोड़ा लेट वीडियो डाल पाऊँगा। और झुमका चौराहे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। गाइस, ये जिस किसी का भी झुमका हो अपना ये झुमका लेके जाए, अपना एक जोड़ी लेके आए और जो गिरा है इसको दिखा के दूसरा जोड़ी साथ में लेके जाए। और हाँ, विशेष ध्यान रखें, बरेली के बाज़ार में है तो झुमका दोबारा मत गिराएं, नहीं तो मत गाना गाइए कि झुमका गिरा रहे बरेली के बाज़ार में। बरेली को ऐसे क्यों आप लोग बदनाम कर रहे हो। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को बहुत इन्जॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ, नमस्कार।